किसान भाइयों को मेरा राम राम। किसान भाइयों, मैं आज आपको जो है सर्पगंधा खेती के बारे में कुछ बताऊंगा। किसान भाइयों, सर्पगंधा की जो खेती है उसको जून और जुलाई महीने में इसका पौधा लगाते हैं। किसान भाइयों, इसका पौधा जो है अच्छी बढ़िया बेड बना के लगाते हैं और जो पौधे की जो दूरी होती है वो है 6 से 8 इंच की दूरी पे इसको पौधे को लगाते हैं। किसान भाइयों, जैसे कि हम ये पौधा देख रहे हैं, ये पौधा बेड पे लगाने के बाद में जो है 1.5 साल का हो गया है और 1.5 साल की ये फसल होती है और 1.5 साल में इसका बीज जो है आना चालू हो जाता है। किसान भाइयों, जो है ये बीज जो दिख रहा है आपको काला, ये बीज इसका 1.5 साल में पक गया है और जो कच्चा बीज है ये इसका हरे कलर का होता है। किसान भाइयों, ये बीज तैयार हो गया। मार्केट में जो है किसान भाइयों, इस बीज की जो है कीमत 4,000 से लेकर 6,000 रुपये किलो तक बिकता है। और किसान भाइयों, अपन चाहे तो इसकी जड़ भी 1.5 साल बाद निकाल सकते हैं और जड़ की जो कीमत है उसकी कीमत लगभग अपना 800 रुपये से लगा के 1200 रुपये किलो तक मार्केट में बिकता है। किसान भाइयों, और जो भी किसान भाई अपना सर्पगंधा पौधा लगाना चाहता है, 1 एकड़ में समथिंग ये पौधा लगता है, 30 से 35 हज़ार पौधा लगता है। तो किसान भाइयों, बहुत ही अच्छी फसल है ये सर्पगंधा की और कोई भी किसान भाई उसको आसान तरीके से लगा सकता है। बस किसान भाइयों, ये है कि किसान भाई को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये है लंबे टाइम की फसल, 1.5 साल तक किसान को इंतज़ार करना पड़ता है। 1 साल बाद हालांकि इसका बीज आना चालू हो जाता है।